आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन। पानसेमल जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई आपदा प्रबंधन समिति की बैठक। पानसेमल जनपद कार्यालय में आज 5:30 पर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर महोदय श्री शिवराज जी वर्मा एवं श्री एसपी निमेश जी अग्रवाल की मौजूदगी में प्रशासकीय अधिकारी एवं आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में कोरोना महामारी की रोकथाम कैसे की जाए, इस विषय पर चर्चा की गई। साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर भी विशेष चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से एसपी निमेश जी अग्रवाल, एसडीएम सुमेर सिंह जी मुजालदा, तहसीलदार राकेश सस्तया जी, सीईओ वीएस मुजालदा, बीएमओ अरविंद जी किराड़े, अन्य विभाग के प्रमुख कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं नगर के प्रमुख गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सर, आज की बैठक को लेकर बताएंगे। ये पानसेमल जो एरिया है, पानसेमल खेतिया है, अगर महाराष्ट्र से जो आने वाले लोगों की वजह से यहाँ पर कोरोना बहुत तेजी से फैला है। आगामी समय में अभी हमारे बड़े बड़े त्यौहार वगैरह आ रहे हैं, उसमें लोगों को वहाँ से आवागमन भी बहुत होगा। इस कोरोना को फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए, यहाँ के जो पानसेमल के और खेतिया निवाली के जो लोग हैं, यहाँ के गणमान्य नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में हम लोगों ने, मैं और एसपी ने यहाँ पे आकर के उनके साथ में कोरोना क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक रखी थी, और उस संबंध में आगे जो कोरोना फैलने से कैसे रुकें उस पर यहाँ पर चर्चा की गई। सर, कहीं कहीं पर ऐसा देखा गया है कि जब कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो कुछ व्यापारियों द्वारा प्रतिष्ठान बंद नहीं किए जाते हैं, सर उनको लेकर कोई आप सुझाव देंगे? प्रतिष्ठान बंद करने की आवश्यकता नहीं है, नई जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जो कोरोना पॉजिटिव आता है उसको होम आइसोलेट कर सकते हैं जी, और उसके प्रतिष्ठान को अपन लोग वहाँ पर पूरा इसका सैनिटाइज करके चालू कर सकते हैं। सर, बंद करने से काम नहीं चलेगा जी, ये हमको अब सावधानी रखनी पड़ेगी कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और पॉजिटिव जो व्यक्ति है उससे कौन कौन संपर्क में रहे, वो भी उनको होम क्वारंटाइन करने की भी आवश्यकता है, वो हम इस पर चर्चा की। धन्यवाद सर। इस दौरान शायद